तो हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं रेसलमेनिया 38 की तरफ। रॉयल रंबल WWE का अगला शो है एंड वहां से स्टार्ट होगी असली रोड टू रेसलमेनिया। अभी फिलहाल हमारे WWE चैंपियन है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और स्टिल हमारे यूनिवर्सल चैंपियन है ट्राइबल चीफ एट ऑफ द टेबल रोमन रेंज। और जैसे कि रूमर्स आ रहे हैं सामने की रेसलमेनिया 38 के अंदर लेसनर के WWE चैंपियन बनने के बाद भी जो प्लान्स हैं उनमें चेंजेस बिल्कुल नहीं आए हैं और रेसलमेनिया 38 के अंदर स्टिल होगा लेसनर वर्सेस रोमन। तो सबसे बड़ा सवाल ये है क्या ये मैच होने वाला है विनर टेक्स ऑल मैच का जो दोनों की दोनों चैंपियनशिप है WWE ने करने वाले यूनिफाई। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आया सामने तो भाई उसी के बारे में एकदम डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होगी। ये जो पूरी वीडियो मेरे ओपिनियन पे ही बेस होने वाली है, यहाँ पर कोई भी न्यूज र्यूमर्स वगैरह के बारे में बिल्कुल बात करने वाला नहीं हूँ। तो जो लोग वीडियो को देखना चाहते हैं पूरा तो भाई शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो अभी फिलहाल WWE के आने वाले शो यानी कि जहां से रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट होगी इट्स रॉयल रंबल 2022 और रॉयल रंबल 2022 के अंदर आमना सामना होगा हमारे ऑलमाइटी WWE चैंपियन बॉबी लैशली का हमारे करंट WWE चैंपियन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ में। अब ये जो फ्यूड है, ये जो पूरा हाइप अभी फिलहाल WWE बना रही मेरे हिसाब से काफी कमाल की है। आई मीन एक ऐसा ड्रीम मैच जो कि हम लोग आगे साल 2016-17 से जा रहे हैं कि भैया फाइनली लैशली और लेसनर का आमना सामना हो जाए। हमने कितने रेसलमेनिया के अंदर सोचा इस रेसलमेनिया में नहीं अगले रेसलमेनिया में होगा, अगले रेसलमेनिया में उसके बाद रेसलमेनिया में होगा, लेकिन फाइनली रॉयल रंबल से ही हमें ड्रीम मैच मिल रहा है। और जहां तक मुझे लगता है, आप लोगों का तो नहीं पता लेकिन जहां तक मुझे लगता है लेसनर हराने वाले हैं बॉबी लैशली को। अब लेसनर इतने टाइम बाद WWE चैंपियन बने, इवन इस बार तो उन्हें क्राउड का सपोर्ट मिल रहा है, चेयर मिल रही है क्राउड की तरफ से, और लेसनर जो कि अपने हील के टाइम पीरियड में उन्हें बूस्ट का सामना करना पड़ रहा था, मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा शॉर्ट टाइटल रेन उनकी रहेगी नहीं और रॉयल रंबल के अंदर ऑलमाइटी को हराने वाले ड्रीम मैच के अंदर हमारे ब्रॉक लेसनर। आई नो इसके बाद भी WWE के काफी सारे पेपर व्यूज होने वाले पूरे रोड में यानी कि रेसलमेनिया तक काफी WWE के शोज होंगे, आई गेस सऊदी अरेबिया में भी शो होने वाला है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हर में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने के बाद जो बड़ा खतरा है वो लैशली है। उसके बाद मेरे हिसाब से ज्यादा कोई बड़ा खतरा नहीं है कि भैया जो बंदा एक्चुअल में चैंपियनशिप ले जाएगा हमारे लेसनर की तरफ से तो इसका सीधा मतलब ये कि ब्रॉक लेसनर जाने वाले रेसलमेनिया के अंदर एज योर WWE चैंपियन। अब बात रहती किस तरीके से लेसनर पहुंच गया रेसलमेनिया में और वो WWE चैंपियन है। बात करते हैं हमारे यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। काफी जल्दी कोविड से एक बार फिर से रिकवर होने के बाद हमारे रोमन रेंस की वापसी होगी और लेसनर ने बात कन्फर्म की क्योंकि वो स्मैकडाउन के अंदर भी आएंगे और वो एक तरह का कॉन्फर्टेशन या फिर मैसेज देने वाले रोमन रेंस को स्मैकडाउन के अंदर आके, जिससे ये बात क्लियर होती है कि ये कहानी भी खत्म नहीं हुई है। लेसनर पॉल एवन एक साथ आए हैं लेकिन रोमन रेंस और जो लेसनर का फ्यूड है वो अभी तक एंड नहीं हुआ है। अभी फिलहाल हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर WWE से बाहर है ड्यू टू नेक इंजरी और यही वो रीजन है कि शायद रॉयल रंबल के अंदर अब मैकइंटायर के साथ उनका मैच नहीं होने वाला है। और फिर रेसलमेनिया की अगर बात रहती है तो हां मेरे हिसाब से चांस काफी हाई है, अगर मैकइंटायर को रॉयल रंबल के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती डेफिनेटली रेसलमेनिया वो जगह होने वाली है। लेकिन बाय चांस अगर मान लेते कि मैकइंटायर वर्सेस रोमन आने वाले टाइम के लिए और पोस्टपोन कर दिया गया, अब आ गया रेसलमेनिया, अब हमारे WWE चैंपियन कौन है? बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। हमारे यूनिवर्सल चैंपियन कौन है? वो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। अब WWE को इन दोनों के बीच फ्यूड दिखाना है, WWE को इन दोनों के बीच दिखाना है मैच रेसलमेनिया के अंदर। तो यस मेरे अकॉर्डिंग फाइनली ये चीज होगी WWE के अंदर एक टाइटल यूनिफिकेशन होने वाला है यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस की टाइटल और WWE चैंपियन बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की टाइटल। जो जीतेगा वो दोनों टाइटल्स ले जाएगा और मेरे हिसाब से उसके बाद WWE फाइनली अपनी टाइटल्स को यूनिफाई करने वाली और मे बी जस्ट मे बी WWE की पुरानी वाली वर्ल्ड हेवी वेट चैंपियनशिप वापस आने वाली है जो कि काफी भारी भरकम थी और इन दोनों टाइटल्स को WWE पूरे तरीके से खत्म करती हुई नजर आएगी। या फिर आई गेस ऐसे भी हो सकते कि जो WWE वो डबल चैंपियन एक बंदे को बना दे ताकि उसके पीछे सभी सुपरस्टार्स पड़ जाए और उसके बाद जो एक बंदा जो कि अंडरडॉग सुपरस्टार होगा वो हराएगा रोमन को या फिर लेसनर को जो कि डबल चैंपियन बनाए और उसके पास से ले जाएगा चैंपियनशिप। लेकिन जहां तक अभी फिलहाल सिनेरियो लग रहा है आई गेस डेफिनेटली रेसलमेनिया के अंदर इन दोनों का आमना सामना होगा। अभी सर्वाइवर सीरीज तो चल नहीं रहा है ना, टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन। वैसे जिन लोगों को नहीं पता लेसनर अभी फिलहाल मंडे नाइट रॉ के लिए ड्राफ्ट तो कर दिए गए क्योंकि ऑफ कोर्स WWE चैंपियन है, लेकिन क्या स्टेटस वगैरह उनका वो हम लोग कल की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्या लेसनर फ्री एजेंट है या फिर नहीं, तो उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी क्या WWE रेसलमेनिया के अंदर ये मैच करवाएगी या फिर नहीं। लेकिन ये बात श्योर है अगर दोनों एज चैंपियन जाने वाले रेसलमेनिया के अंदर तो भैया सर्वाइवर सीरीज नहीं चल रहा है, ये रेसलमेनिया चल रहा है। अगर आपको 1,00,000 फैंस सोल्ड आउट करने, इससे ज्यादा बड़ा मैच क्या हो सकता है? एक तो लेसनर रोमन दोनों एक मैच के अंदर है, ऊपर से चैंपियनशिप्स ऑन द लाइन है, वो भी दोनों की दोनों जो विनर है वो बन जाएगा डबल चैंपियन।
चैंपियन और मे बी फिर टाइटल यूनिफिकेशन होना पूरे तरीके से सही है। अब बात रहती है कि डब्ल्यू डब्ल्यू को फाइनली ये चीज करनी चाहिए जब डब्ल्यू डब्ल्यू के पास एक परफेक्ट मोमेंट है हमारे डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियन और यूनिवर्सल टाइटल को एकदम यूनिफाई करने का, दोनों को एक साथ लाने का। पहला मेजर रीजन है बहुत ही ज्यादा तगड़ी रिलीज जिससे एक्चुअल में रोस्टर के अंदर डेप्थ कम हो चुकी है। अब बात करूं मंडे नाइट रॉ की, हमारे पास सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है, हमारे पास केविन ओवंस है, हमारे पास बिगी है और हमारे पास डेमियन प्रीस्ट है, जिगलर है, ऐसे बहुत से नाम है, एजे स्टाइल्स है, फिन बैलर भी तो है। अब इतने सारे नाम है हमारे पास मंडे नाइट रॉ के अंदर, लेकिन अगर एक नजर उठा के हम लोग स्मैकडाउन के अंदर डालें तो रोमन रेंज ने ऑलरेडी यार सभी को हरा दिए, सेजारो को वो हरा चुके हैं। बात रहती है रिकोशे के बारे में, मे बी आने वाले टाइम में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स में शिंसुके नाकामुरा हार चुके हैं। बात रहती है ड्रू मैकइंटायर के बारे में, वो पिछले साल हार थे लेकिन मे बी आने वाले टाइम में एक बार फिर से उन्हें मैच तो डेफिनेटली मिलने वाला है। अब बात रहती है बाकी भी अपोनेंट्स के बारे में, शेमस हो गए, चलो शेमस के साथ एक बार फ्यूड हो भी जाएगा, लेकिन बाकी जितने भी टॉप सुपरस्टार्स हैं स्मैकडाउन के अंदर उनका रोमन रेंज के साथ मैच हो चुका है और वो रोमन रेंज से हार चुके हैं। तो एक बार फिर से रीमैच का एक्चुअल में कोई मतलब बनता नहीं है, वही रिपीट मैचेस होंगे, लेकिन टाइटल यूनिफिकेशन से फायदा ये होने वाला है कि अगर बाय चांस रोमन डबल चैंपियन बनते हैं तो सेथ रॉलिंस भी चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंज को, सेजारो भी चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंज को, एजे स्टाइल्स भी कर सकते हैं, फिन बैलर भी कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के चीजें ऐसी मजेदार होने वाली हैं कि दोनों रोस्टर को फायदा होने वाला है। रॉ के अंदर रोमन रेंज आएंगे रेटिंग्स बढ़ेंगी, स्मैकडाउन के अंदर रोमन रेंज आएंगे रेटिंग्स बढ़ेंगी, रॉ के अंदर लेजनर होंगे एज डबल चैंपियन रेटिंग्स बढ़ेंगी, स्मैकडाउन के अंदर अगर लेजनर होंगे एज डबल चैंपियन वहां पे भी रेटिंग्स बढ़ेंगी। तो मेरे हिसाब से भी फिलहाल जिस तरीके से सिनेरियो चल रहा है अल्टीमेटली ये जो चीजें हैं वो उसी तरफ लीड कर रही है, एक विनर टेक्स ऑल मैच की तरफ, एक टाइटल यूनिफिकेशन की तरफ, एक यूनिवर्सल टाइटल और डब्ल्यू डब्ल्यू टाइटल जहां एक ही मैच में ऑन द लाइन हो उस मैच की तरफ, और रेसलमेनिया के अंदर ये मैच होने वाला, क्योंकि ऐसा तो है नहीं लेजनर स्मैकडाउन के अंदर आएंगे कहेंगे रोमन भैया जो तेरी यूनिवर्सल टाइटल है मुझे चाहिए, मैं अपनी टाइटल घंटे डिफेंड नहीं करूंगा। रोमन ये भी तो कह सकते भैया मेरी टाइटल ऑन द लाइन होगी, लेकिन एक कंडीशन है कि तुझे भी अपनी चैंपियनशिप ऑन द लाइन लगानी पड़ेगी। अल्टीमेटली रेसलमेनिया के अंदर आई गेस यही होने वाला है। बाकी आने वाले टाइम अगर कोई भी चेंजेस होते डेफिनेटली उसकी अपडेट आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आई डोंट नो मैंने कितनी भगभग कर डाली है, मैंने कुछ सेंसिबल बोला या फिर नहीं, लेकिन अगर फिर भी वीडियो पसंद अगर आई हो, मतलब मैंने अगर कुछ ढंग की बात की हो, तो डेफिनेटली लाइक कर देना नीचे वीडियो को और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ही दोगे, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी और वाहियात थोड़ी वीडियोज और पकाऊ वीडियोज चैनल के ऊपर मिलती रहे। बाकी न्यूज अपडेट्स तो आती रहती है, मिलता हूँ आपसे आगे अगली वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। होप करता हूँ बोर नहीं किया होगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।